बिग बॉस की हिस्ट्री के सबसे क्यूट कंटेस्टेंट यानी कि अब्दू रोजिक को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है, और अपडेट ये है कि अब्दू रोजिक फिनाले की रेस में शामिल नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो फिनाले से पहले ही घर को परमानेंटली अलविदा कह देंगे। क्या है ये बड़ी अपडेट, चलिए हम आपको बताते हैं। वेल, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट, मेरा नाम है लवी चौधरी, और फिलहाल अब्दू रोजिक को लेकर की अपडेट सामने आई है कि अब्दू रोजिक से मिलने आज फैमिली वीक के दौरान सोशल मीडिया सेंसेशन जस्ट सुल आने वाले हैं। जस्ट सुल जो है सोशल मीडिया पर फनी वीडियोस बनाते हैं और काफी फनी भी हैं। तो ऐसे में वो आज बिग बॉस के घर में आ रहे हैं अब्दू रोजिक को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन पहले खबरें थी कि जस्ट सुल जो है अब्दू रोजिक को अपने साथ ले जाने के लिए आने वाले हैं, लेकिन फिलहाल इसमें भी एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, और ट्विस्ट ये है कि अब्दू रोजिक एज पर रिपोर्ट्स 12 जनवरी को घर को परमानेंटली अलविदा कह देंगे, जिसकी वजह से वो फाइनल कंटेस्टेंट्स की लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए, क्योंकि वो इस बार अपने वर्क कमिटमेंट्स की वजह से सच में घर से बाहर जाने वाले हैं। पिछली बार जब अब्दू रोजिक घर से बाहर गए थे तो काफी सारे फैंस का दिल टूट गया था, क्योंकि अब्दू रोजिक को फैंस काफी पसंद करते हैं। सिर्फ उनकी वजह से लड़ाई झगड़े के इस माहौल में एक पॉजिटिव वाइब मिलती है, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। लेकिन अब्दू रोजिक के जाने के बाद तमाम लड़ाई झगड़ों ने एक बार फिर से सबका दिमाग खराब कर दिया, और अब्दू रोजिक जैसे ही घर में वापस लौटे सबसे ज्यादा खुश हुए शिव ठाकरे। लेकिन एक बार फिर से अब्दू रोजिक के फैंस के लिए निराश कर देने वाली अपडेट है ये कि अब्दू रोजिक जो है परसों यानी कि 12 जनवरी को घर से चले जाएंगे, और इसके बाद अब्दू रोजिक वापस नहीं आने वाले हैं, क्योंकि इस बार वो परमानेंटली घर से चले जाएंगे और शायद डायरेक्टली हमको फिनाले एपिसोड में नजर आएंगे, वो भी अपनी एक स्पेशल परफॉर्मेंस के साथ। जी हाँ, अपडेट ये भी है कि फिनाले वाले दिन अब्दू रोजिक यानी कि छोटे भाईजान की बड़ी एंट्री होगी, और उस दिन वो सलमान खान के साथ स्टेज शेयर करेंगे और परफॉर्म भी करने वाले हैं। हालांकि सारे ही घर वाले परफॉर्म करेंगे, लेकिन अब्दू रोजिक की परफॉर्मेंस के लिए हर कोई बेकरार होगा, क्योंकि अब्दू रोजिक उससे पहले ही घर से बाहर चले जाएंगे। हालांकि कहा जाता है कि अब्दू रोजिक को बिग बॉस का गेम कभी समझ ही नहीं आया। अगर बात करें हाल ही के नॉमिनेशन टास्क की, तो एक बार फिर से सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि अब्दू रोजिक को नॉमिनेशन टास्क ही समझ नहीं आया, और इस चलते अब्दू रोजिक ने साजिद खान को नॉमिनेट भी कर दिया। वेल, इसी के साथ आपको बता दें कि इस हफ्ते के जो कंटेस्टेंट्स थे, यानी कि वो वाले कंटेस्टेंट जो कि कैप्टनसी की दावेदारी के लिए आगे आए थे, उसमें अब्दू रोजिक का नाम भी शामिल था, और अब्दू रोजिक भी बाकी सारे घरवालों की तरह मुर्गा बने थे। इस बार के कैप्टनसी टास्क में यही हुआ कि जो घरवाले हैं उनके जो घरवाले आए हैं उन दोनों ने मिलकर ये कैप्टनसी टास्क खेला, और इस कैप्टनसी टास्क में पूरा बिग बॉस का घर बन गया एक फार्म, और यहाँ पर जो है सारे मुर्गे की ड्रेस में नजर आए, जिसके बाद जो कंटेस्टेंट्स कैप्टनसी की दावेदारी के लिए आगे आए थे वो बने मुर्गे, और बाकी सारों ने इनको दाना डाला। अब जिसकी टोकरी में सबसे ज्यादा दाना गया वो बना घर का नया कैप्टन, और एज पर रिपोर्ट्स शिव ठाकरे घर के नए कैप्टन बन भी चुके हैं, यानी कि शिव ठाकरे चौथी बार बिग बॉस सीजन 16 के घर में कैप्टन बने हैं, और सारे रिकॉर्ड्स शिव ठाकरे ने तोड़ दिए। लेकिन अब्दू रोजिक का दिल टूटने वाला है, और साथ ही कैप्टन शिव ठाकरे का भी, क्योंकि इन दोनों का ही बॉन्ड सबसे ज्यादा क्लोज है और लोग इन दोनों के बॉन्ड को ही पसंद करते हैं। यानी कि हर एक टास्क में, हर एक चीज में अब्दू रोजिक आगे रहे, चाहे पॉजिटिव वाइब्स हो या फिर कोई टास्क हो या फिर अपना उनका बिग बॉस के घर में एक अलग ही ऑरा हो, लेकिन उसके बावजूद भी परसों यानी कि 12 जनवरी को बिग बॉस के घर से आउट हो जाएंगे अब्दू रोजिक वर्क कमिटमेंट्स के चलते। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां भी हमें जरूर फॉलो कीजिएगा।